उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना को काबू करने के लिए सीएम योगी ने कई जिलों में लॉकडाउन करने की घोषणा की है। सुरक्षा की मद्देनजर लखनऊ समेत बनारस, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा सहित कई जिलों के 27 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इसी क्रम में कोरोना वायरस महामारी को रोकथाम के लिए मऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता मार्च निकालकर सभी लोगों से 31 मार्च तक घरों में रहने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा सबसे बड़ा आह्वान किया गया, अभी भी 31 तारीख दिन हुए, धर्म कोई धैर्य एकजुटता और संयम का प्रदर्शन करना है। तो आज जो अचानक देखने को मिला सुनकर सभी दुकानें खुल गई, सभी लोग घर से बाहर निकल के भ्रमण करने लगे, जगह जगह दुकानों पर भीड़ लगने लगी। सुबह से शक्ति करके उनको हटाया गया। साथ में आवश्यकता महसूस की गई कि अभी भी हम लोग थोड़े से 144 लगाए रखते हैं। उसके अंतर्गत 144 के अंतर्गत प्राइवेट वाहन समस्त चलने पर बंद कर दिए गए हैं। ई रिक्शा, टेम्पो जो चल रहे हैं वो भी प्रतिबंधित है। यदि किसी को कहीं कहीं अपरिहार्य आवश्यकता है, कोई किसी तकलीफ में है, तो 112 PRV 20 विभाग की 108, 108 नंबर और 102 नंबर जो एम्बुलेंस चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की, उस पर कॉल कर सकता है, वो उनकी सेवा में सदैव उपलब्ध रहेगी। साथ ही साथ जो तमाम दुकानें व्यापारी को व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, उन सभी को प्रतिबंधित किया गया। मात्र जो अनुमति दी गई है, आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे किराना आदि, फल फूल सब्जी तथा इस समय पूजा का समय आ रहा है, तो पूजा की दुकानें खाद्य सामग्री संबंधित उनको छूट दी गई है।